हेलो गाइस वेलकम टू अवर चैनल इन प्रैक्टिस मैं आज आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सिक्स द पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट लक्ष्मी से दिखाऊंगी और उससे पहले इसकी वेटेज देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर सिक्स पी ब्लॉक ये थ्री मार्क्स का इसमें से टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो थ्री आएंगे और टोटल मार्क्स सेवन है कि इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है So, अब इसमें देख लेते हैं इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी दे रखी है और एक और बात कि इसमें ग्रुप फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन सभी को अलग अलग अच्छे से एक्सप्लेन और अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं उनके तो उस हिसाब से देख लेना इसमें पहले से डिफ्रेंशिएटेड है अगर आपने आपके टीचर ने सिर्फ ग्रुप सिक्सटीन करवाया है या फिर सिर्फ ग्रुप फिफ्टीन करवाया है अब तक तो आप उतना ही देख लेना ये स्टार्टिंग में कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ थ्योरीज दे रखी हैं। ग्रुप 15, 16, 17 की सभी की अलग से दे रखी हैं। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 2015 में पूछा गया है तो ये कुछ ऑर्डर्स भी साथ साथ देख लेना है ये स्टार्टिंग में थ्योरी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो वीडियो को थोड़ा आगे करके थोड़ा यहाँ से स्किप करके फिर आगे से देख लो और अगर आप इसमें थ्योरी भी देखना चाहते हैं कि भाई इसमें थ्योरी में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है देन वॉच इट कंप्लीट यहां से ग्रुप सेवनटीन स्टार्ट हो जाता है यहां पे भी एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है ये रिएक्शन के ऊपर क्लोरीन रिएक्शन ये डिकॉन्स रिएक्शन आप देख लेना डिकॉन्स प्रोसेस ग्रुप एटीन ग्रुप एटीन के बारे में थोड़ा ही एक्सप्लेन कर रखा है और उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं सबसे पहले ग्रुप फिफ्टीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आप वीडियो को पॉज करके और फिर ये क्वेश्चंस रीड कर लेना जितने भी इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं एक ही क्वेश्चन एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन 2017-13 दो बार आया हुआ है तो ये क्वेश्चन आप रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके फिर उसे रीड कर लो और एक ये रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फोर्सफोरस ये भी 2012 में आया हुआ है जो भी क्वेश्चन नाइट्रोजन के ऊपर है ना ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एनामोलस बिहेवियर इसके प्रॉपर्टीज ये दूसरे से कैसे रिफर करते हैं ये आप अच्छे से रीड कर लेना वही कि नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन फोस्फरस ट्राई एटोमिक फॉर्म में पेट्रटोमिक फॉर्म में तो फिर ये क्यों है तो ये इनका डिफरेंस ही एक तरीके से भी टू आया हुआ है और एनसीआरटी का क्वेश्चन नंबर टेन भी टू थाउजेंड नाइनटीन थर्टीन एटीन में आया हुआ है तो ये भी अच्छे से रीड कर लेना देन क्वेश्चन नंबर इलेवन ये एनसीआर का क्वेश्चन भी है और साथ के साथ थर्टीन और एटीन में आया हुआ है फिर बॉइलिंग पॉइंट में ये भी 2017 11 14 18 में आया हुआ है तो ये भी आप लेना ये देखो इस बुक में अच्छे से एकदम एक्सप्लेन भी कर रखे हैं यूं भी दे रखा है कि कौन सा किस ईयर में आया हुआ है और साथ के साथ अलग से ग्रुप 15 16 के सभी के अलग से क्वेश्चंस दे रखे हैं फिर से नाइट्रोजन कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती है फोस्फोरस से ये भी आया हुआ है टू थाउजेंड नाइनटीन में क्वेश्चन नंबर नाइनटीन भी टू थाउजेंड नाइनटीन में आया हुआ है और एनसीआरटी का क्वेश्चन भी है अमोनियम और कॉपर की रिएक्शन एनसीआरटी का क्वेश्चन भी है और साथ के साथ 2013 में आया हुआ है इस वीडियो में आपको सिर्फ ग्रुप फिफ्टीन ही दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसमें मैं ग्रुप 16 का अलग से 17 का अलग से, इन सभी के अलग से इस बुक से आपको शो कर दूंगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन जो है ये टू थाउजेंड ट्वेल्व में आया हुआ है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है एक्वारेजिया क्या है इसके गोल्ड के साथ रिएक्शन ये भी टू थाउजेंड नाइनटीन में आया हुआ है इसका स्ट्रक्चर भी टू थाउजेंड में आया हुआ है जो इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है ना वो 2019 के ही मिलेंगे क्योंकि उसके बाद में ट्वेंटी में भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं का पेपर नहीं हुआ और ट्वेंटी वन में भी केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ सो so, ये था ग्रुप फिफ्टीन के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मी नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप सिक्सटीन देखेंगे फिर 17, 18. 17, 18 तो शायद एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल